हो छुआ लोगिन, बाबू सिलेक्शन सीरीज की ये चौथी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और एक आपको ये सूचना भी देना है कि जो सिलेक्शन सीरीज की वीडियो आपको सुबह 9 बजे दी जा रही थी, वो वीडियो अब 9 बजे नहीं, आपको 10 बजे दी जाएगी। क्योंकि बाबू कई प्रकार की टेक्निकल इशू 9 बजे या तो अक्सर नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू सामने रहता है, तो ऐसी स्थिति में 9 बजे की क्लास अब आपको सुबह 10 बजे दी जाएगी। और ये क्लास आपको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है बाबू। जितना अगर आप JSSC या JPSC में अपना एक सीट निश्चित प्राप्त करना चाहते हैं, तो जितना जरूरी आपके लिए खाना है उतना जरूरी आपके लिए क्लास है। क्योंकि ये क्लास में वैसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो आपके विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो यहाँ से आपकी तैयारी का अंदाजा लग पाएगा कि भाई तो कितना पानी में ही तो कितना पानी में ही तुरा अंदाजा लागल पर। तो चलो पहला क्वेश्चन हो, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि ये जो सीरीज है वो सिलेक्शन सीरीज है, ये और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आप सिलेक्शन योग्य नहीं बन जाते हैं, जब तक आप अपने एक सीट पक्का करने के योग्य नहीं बन जाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है सीधे JSSC एग्जाम में आने वाले प्रश्न, तो यही ध्यान देना है कि 7 बजे की जो करंट अफेयर की क्लास है वो आपको मिस नहीं करना है, और एक आपकी जो 10 बजे की क्लास है वो आपको मिस करना ही नहीं है। ये दोनों क्लास ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण है जैसे आपके लिए खाना महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा, आपकी स्पीड भी यहाँ अच्छी होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं और 20 मिनट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये 25 क्वेश्चन आपका 20 मिनट के अंदर हो जाता है, तो अगर यही अभ्यास अगर लगातार बनी रहे तो एग्जाम में आपका समय बचेगा और आपका मतलब उस स्तर से आपका दिमाग भी काम करेगा। ध्यान रहे 25 क्वेश्चन में आप तभी अपने आप को सेफ मानेंगे जब आप 20 प्लस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? गैर भाजपा मुख्यमंत्री सबसे पहले झारखंड के कौन थे? ध्यान रहे ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका सारा, जो आपके JSSC में पूछे गए प्रश्न है, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास या अर्जुन मुंडा। समय आपको हम ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में समय नहीं रहेंगे, और आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके समझिए आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और आप 25 में से आप कितना कर पा रहे हैं। तो बाबू इसका जो सही जवाब होगा या ऑप्शन आपका गलत है। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री, गैर भाजपा मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है शिबू सोरेन, ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा शिबू सोरेन। गैर भाजपा की बात कर रहा है, बाबूलाल मरांडी का संबंध भाजपा से है, रघुवर दास का संबंध भाजपा से है, अर्जुन मुंडा का संबंध भाजपा से ही है, तो एक गैर भाजपा की बात कर रहा है तो होगा शिबू सोरेन। नेक्स्ट है और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे? अर्जुन मुंडा, देखिए अर्जुन मुंडा जो थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कब कार्यरत रहे थे? 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2005 तक। ऑप्शन बी है 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2004 तक। ऑप्शन सी है 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2006 तक। ऑप्शन सी डी है बाबू 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2007 तक। इसका सही जवाब होगा 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2005 तक। नेक्स्ट और आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रहे आपको यही स्पीड मेंटेन किए हुए रहना है, झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कौन सा गैस का भंडार का समृद्ध स्रोत है? बाबू झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कौन सा गैस का भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद, रांची, बोकारो या पश्चिमी सिंहभूम। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी हमें लास्ट में बता देना है, जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो आप 25 में से कितना कर पाए ईमानदारी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। मान लिया जाए आपसे 20 से कम भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू आप 10 बजे की क्लास को मिस नहीं करेंगे, आप अपने आप ये तय कर पाएंगे कि मेरी तैयारी पीछे से और बेहतर हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित
कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? कोल्हान कमिश्नर तक, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर तक, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर तक, संथाल परगना कमिश्नर तक? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? इसका सही जवाब है संथाल परगना कमिश्नर। समझिए, ये सारे क्वेश्चन आपके हॉल में ही आप बैठे हुए हैं, आप सॉल्व करें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है जेएसएससी में पूछा गया है। हो सके आप भी जेएसएससी का एग्जाम दें और ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल यही होगा बाबू। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ जा सकता है, लेकिन यह सारी चीजें आपको पहले प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। क्वेश्चन नंबर ये पांचवा है कि स्वर्ण रेखा जो नदी है हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? स्वर्ण, देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप सीधा सीधा कहें तो ये आप कहेंगे कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, लेकिन आपके जेएसएससी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, वही क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है, इसी प्रकार से जेएसएससी के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन सेट करते तो आया तो आप करते तो यही सीधा आप कहते कि हुंडरू फॉल या हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 320 फीट, 300 फीट, 445 फीट या 280 फीट। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 320 फीट अगर हम लोग मीटर की बात करें तो 74 मीटर। छठा नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है? लगभग आबादी क्या है बाबू? 3 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है या 1 लाख है? कमेंट सेक्शन में आपको इतना देर में जवाब दे देना है, क्योंकि स्पीड की आपको आवश्यकता है एग्जाम में। आपको अगर आप धीरे सोचते रहेंगे एक क्वेश्चन में 10 मिनट तो ऐसे थोड़े होगा, तुरंत आपको जवाब भी देना है बाबू। इसका सही जवाब, कंपटीशन काफी हाई होने वाला है, काफी लंबे समय के बाद जेएसएससी में ऐसी कोई नियुक्तियां होने वाली है। इसका सही जवाब है 2 लाख। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया? पुराने सिंहभूम मतलब बाबू समझिए कि पुरानका जो सिंहभूम था जिसमें पुरका सिंहभूम पूरा बड़ा अकेले था, फिर इसी से काटा गया बाबू पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो जो पहलका सिंहभूम था उसे कितने ब्लॉक काट करके पूर्वी सिंहभूम बनाया गया? 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 9 ब्लॉक या 8 ब्लॉक? इसका सही जवाब होगा 9 ब्लॉक। नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? गढ़वा जो जिला है वो कह रहा है कि उत्तर में किस नदी से घिरा है, तो गंगा नदी से, सोन नदी से, यमुना नदी से, रावी नदी से। बाबू ये सारी नदी का कोई बातें नहीं है, गंगा का बातें नहीं है, यमुना का बातें नहीं, रावी का, यमुना तो झारखंड में आती नहीं, रावी आती नहीं है, गंगा आती है तो साहेबगंज के तेलियागढ़ी नामक स्थल को स्पर्श करती है 80 किलोमीटर के लिए। सोन नदी ही स्पर्श करती है, अर्थात गढ़वा जिले के उत्तर में सोन नदी ही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नौवां नंबर क्वेश्चन की हरिहर धाम जो है बागोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? जो हरिहर धाम है वो बागोदर में है, और ये बागोदर झारखंड के किस जगह पर स्थित है? बोकारो जिला में है, लातेहार जिला में, गिरिडीह जिला में है या कोडरमा जिला में है? इसका सही जवाब होगा गिरिडीह जिला में है। नेक्स्ट और आज का दसवां नंबर क्वेश्चन है कि गुमला जिला जो है झारखंड के किस भाग में स्थित है? ईस्ट वेस्ट भाग में, नॉर्थ वेस्ट भाग में, उत्तर भाग में या दक्षिण पश्चिम भाग में? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 11वां नंबर क्वेश्चन है, गुमला जिला जो है रांची से कब बना था? 19 मई 1983 को, 18 मई 1983 को, 24 मई 1985 को, 26 मई 1983 को? तो इसका सही जवाब आपका है 18 मई 1983 ईस्वी को। 12वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार की राजनीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? देखिए बाबू, IOA, JOA, सजहा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 13वां नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? क्या 15.60%, 57.10%, 75.40% या 29.20%? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन बी, 57.10%।
14 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? आदिवासी जनसंख्या का जो प्रतिशत न्यूनतम कहाँ है? पाकुड़ में, कोडरमा में, साहिबगंज में या लातेहार में? ऑप्शन डी है आपका लातेहार, लेकिन इसका सही जवाब अगर बोला जाए तो कोडरमा में सबसे कम है। नेक्स्ट है बाबू, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है, डॉट डॉट डॉट, प्राथमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा की के प्रबंध के लिए स्थापित किया गया था। समझिए, ये जेएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड शिक्षा परिषद, झारखंड शैक्षणिक परिषद, झारखंड राज्य बोर्ड, या इन उसमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झारखंड शैक्षणिक परिषद। देखिए, कोशिश करेंगे बाबू इस खोटा का हम आपको लाइव शाम को करवा दें, कोशिश करेंगे शाम का लाइव क्लास आपको खोटा का हम शाम को करवा दें, और सुबह जो आपका 10 बजे का जाएगा वो झारखंड जीके जाएगा, 7 बजे का क्लास जो है आपका करंट अफेयर की क्लास जाएगी। देखिए, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ हुआ था? हजारीबाग में, साहेबगंज में, रांची में या डोरंडा में? ऑप्शन ए बी सी डी तो ही आपको लिखना है, इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन डी। और आज का 17वां नंबर क्वेश्चन है, बोकारो अपनी लोह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? बोकारो अपनी लोह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है बाबा बुदन, बी है नवामुंडी, ऑप्शन सी है क्योंझर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब होगा बाबू क्योंझर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आज का 18वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रहे, लग रहा होगा आपको स्पीड बहुत ज्यादा है, तो यही स्पीड आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि बाबू एग्जाम में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी और स्पीड तो आपको बनाए रखना होगा झारखंड में, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई होने वाला है। और यही बात हम पहले बोले कि जेएसएससी बहुत दिनों के बाद नियुक्तियां करवाने जा रही है झारखंड में। इस जनजाति के लड़के और लड़कियां के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। जनजाति की पहचान कौन ऐसा जनजाति है, कौन ऐसा जनजाति के लड़के लड़कियां के लिए ये जो पर्व है लड़कियां के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई नहीं। देखिए, इस जनजाति में, झारखंड के इस जनजाति के लड़के और लड़कियां के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं। जनजाति की पहचान करें, उराव, संथाल, मुंडा या हो, तो इसका सही जवाब है बाबू जेएसएससी में सारा प्रश्न पूछा गया है, ये उराव जनजाति। नेक्स्ट है, और आज का 19वां नंबर क्वेश्चन है, सरहुल जो है, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है देसाई, बुटोली, बाप पर्व या करम? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑप्शन इसका सी होगा, बाप पर्व। और नेक्स्ट इसका है 20वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड में बिरहोर जनजाति झारखंड के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? झारखंड के बिरहोर जनजाति लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? टोली, टोंडा, धुमकुरिया या अखाड़ी? इसका सही जवाब होगा बाबू टोंडा। नेक्स्ट और आज का 21वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी का नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है रांची को, ऑप्शन बी है धनबाद को, ऑप्शन सी है टाटा नगर को, और ऑप्शन डी है डालमिया नगर को। हो सकता है आज की क्लास भी आपको 10 बजे के बाद मिले, क्योंकि बाबू नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा आपका बी, टाटा नगर। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना साथ होनी चाहिए, कारखाना शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है साहेबगंज, ऑप्शन बी है हो भैया घाटशिला, ऑप्शन सी है रांची, और ऑप्शन डी है हो बाबू गढ़वा। इसका सही जवाब होगा घाटशिला। और नेक्स्ट आज का 23वां नंबर क्वेश्चन है कि लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना डॉट 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 में की गई, मतलब यही लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? रांची, आसनसोल, सिंदरी या कोडरमा में? ध्यान रहे, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा बाबू सिंदरी। नेक्स्ट और आज का 24वां नंबर क्वेश्चन है, उल गुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? संथाल के साथ, कचनाक के साथ, काल के साथ या बिरसा मुंडा के साथ? तो इसका सही जवाब होगा बिरसा मुंडा के साथ।
आज का 25वां नंबर क्वेश्चन और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। झारखंड के किस हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं कि सर्दी में सबसे कम जो टेम्परेचर है वो वहाँ है, तो हम लोग कौन ऐसे एरिया का मापते हैं तब हमें पता चलता है कि सर्दियों में झारखंड की न्यूनतम जो तापमान है वो इतना है। कहाँ का हम लोग तापमान मानते हैं मापते हैं? नेतरहाट पठार का, उत्तरी गंगा मैदान का, राजमहल पर्वतमाला का, या संथाल परगना क्षेत्र का? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ये होगा बाबू, नेतरहाट पठार का। यही थी बाबू 25 क्वेश्चन, 25 में से आप कितना सॉल्व कर पाए ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। बाबू अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि JSSC और JSSC और JPSC जैसे एग्जाम की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे करवाई जाती है। तो बाबू यही थी आपकी आज की क्वेश्चन, तो ठीक है हो छुआ लोगी, हम बाबू मिलो ही बाद में हो कौन दूसरे वीडियो में, तब तक रखे है अपन ध्यान। जय हिंद।